28 अप्रैल को आतंकियों से मुठभेड़ में एक VDG यानी विलेज डिफेंस गार्ड शहीद हो गया था, जिसके बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। घटना के 3 दिन बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी बीच ADGP जम्मू जोन आनंद जैन 30 अप्रैल को जिला डुड्डू पहुंचे और ग्राम रक्षा गार्ड कर्मियों और स्थानीय लोगों से उन्होंने यहां बातचीत की। स्थानीय लोगों और ग्राम रक्षा कर्मियों ने ऐसे हमलों का मुकाबला करने के लिए स्वचालित हथियारों और सेना प्रशिक्षण सहित कई मांगे रखी। ADG साहब से हमारा एक डेलीगेशन सर 200-250 का डेलीगेशन BDG की तरफ से हमने अपनी बात रखी है। उनके आगे जो हमारी VDG डुड्डू बसंतगढ़ की है, चाहे तहसील लाठी हो, चाहे पंचायत का खेत हो, जो इलाका जो डुड्डू बसंतगढ़ ये मिलिटेंट से 1995 से लेकर आज तक हमारे 2016-12-14 तक वहाँ मिलिटेंसी खत्म हो गई थी। आज जो परसों जो एक्सीडेंट हुआ हमारे मोहम्मद शीरवी जी, जिनके मिलिटेंसी के हाथों से शहीद हो चुके हैं, हमने उनसे बात रखी कि जो ऑटोमेटिक इनको BDG को ऑटोमेटिक वेपन दी जाए, और दूसरी हमने इनसे बात रखी इनको ट्रेनिंग दी जाए, और तीसरी बात हमने जो रखी कि जो इनकी जो है इनको कार्ड दिए जाए, इनको जो ताकि इनकी शनाख्त हो सके, इनको यूनिफार्म दी जाए, और बाकी हमने उनसे कहा कि जो इलाका डुड्डू बसंतगढ़ का क्षेत्र जो है आर्मी के हवाले किए जाए, आर्मी की छोटी छोटी पिकटें 3-4 पिकटें बनाई जाए, बसंतगढ़ में आर्मी बैठाई जाए, दूसरी डुड्डू में बैठाई जाए, तीसरी लाठी में बैठाई जाए, ताकि जो मिलिटेंट जो जहां मिलिटेंट आस्था आस्था आ रहे हैं सर, पहले बड़े दिन से इनपुट दिया, और ताकि ये इलाका घना जंगल है, जैसे सोईदार है, प्रंगुल घाट है, अपना चनाली है, वहां घने जंगल है, पहले भी 1992 से लेकर 2013 तक जहां मिलिटेंटों के गढ़ हुआ करते थे, 100-100 मिलिटेंट वहां रहते थे। हमने ADG साहब से बात की है कि इन मिलिटेंटों का खात्मा जल्दी की जाए, और दूसरी हमने जो उनसे ये बात कही थी कि जो BDG की राइफलें जो ओल्ड एज लोग थे, जो उनकी राइफलें जमा हुई है, उनके परिवार को राइफलें इशू की जाए, और भी दूसरी राइफलें जो नौजवान लोगों को BDG से राइफलें दी जाए, ताकि डट कर ये मिलिटेंटों का मुकाबला कर सके। आज हमारा जो ऑपरेशन डुड्डू बसंतगढ़ सोईदार में चल रहा है, हमारे BDC के साथ लोग आर्मी के साथ मिलकर SOG के साथ पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान करे जो हमारे शहीद मोहम्मद शरीफ का जल्दी ही हमें उसका नतीजा मिलेगा। हमें आर्मी पर और पुलिस पर पूरा भरोसा है। जो हमने उनसे बातें रखी हैं, उन्होंने इंश्योर किया कि जो 3-4 आपकी बातें हैं, जो BDC का मसला जो BDG के उनको राइफल उनके घर वालों को दी जाएंगी, जहां उनकी जो ऑटोमेटिक वेपन के उन्होंने कहा कि हम जल्दी इस पर सोचेंगे और मसला करेंगे। हमने जो हम उनके पास बातें रखी हैं, सबसे पहले तो हमने BDG के बारे में बात रखी है। या तो हमारे जो चील में जहां मतलब सिक्योरिटी नहीं है, या जिनके पास वो वेपन नहीं है, वो लास्ट एरिया है, वहां पे उनको वेपन दी जाए। बाकी ये भी हमने रखा है कि वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाया जाए। बाकी हमने ये कहा है कि हमारे जो जितने भी ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, सभी में ये हमारे जितने भी BDG लोग हैं, या जिनके पास जो रेफल देंगे, तो सभी मिलकर उनका खात्मा करेंगे। तो ज्यादा हमने इस इलाके की यही है कि जो पिछले एरिए हैं वहां पे सिग्नल नहीं है, सिग्नल की वजह से वो नहीं किसी को कोई बात बता सकते हैं ना कुछ भी, इसलिए हम वहां अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है तो उन लोगों को कुछ थोड़ा और भी आराम मिलेगा। ADG साहब से जो हमने मांग की थी उसका अच्छा रिस्पांस आया। इसमें 2-3 बातें रखी गई है, जिसमें आई कार्ड का इशू था, क्योंकि अगर यहाँ पर आर्मी CRPF वगैरह है तो ना हमारे BDG भाइयों के पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो आई कार्ड होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो 1995 से राइफलें ली गई हैं, तो उसमें बहुत सारी राइफलों में खराबी है, क्योंकि वो बुलेट नहीं चलता है, तो उसके कारण अगर कहीं मुठभेड़ होती है तो वो चांसेस ज्यादा यही होते हैं कि मिलिटेंटों के पास तो ऑटोमेटिक हथियार है, तो वो हमारे लोगों की कैजुअलिटी होना के ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए हमने ये बात भी रखी है। उसके साथ साथ हमने इस इलाके की सेफ्टी के लिए ये भी कहा है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आर्मी या पुलिस को प्रोवाइड करवाया जाए, और जो लोगों की सेफ्टी है उसके ध्यान रखा जाए। और इतना जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ के जो BDGs हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो खड़े हैं आर्मी CRPF या किसी भी फोर्सेस के साथ, और काफी इनके लोगों में उत्साह है काम करने का। लेकिन जो कुछ फैसिलिटी की प्रॉब्लम है वो उन्होंने बोला है, अश्योर है कि प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ ADGP से ग्राम रक्षक कर्मियों ने ऐसे हमलों का मुकाबला करने के लिए हथियारों और सेना प्रशिक्षण सहित कई मांगे रखी। बता दें कि 28 अप्रैल को आतंकवादियों के खिलाफ मुठभेड़ में एक ग्राम रक्षा गार्ड की जान चली गई थी।